देखो गाइस यहाँ पे एक डॉगी मिला मुझे, बहुत देर से देख रहा हूँ, गड्ढा खोदे जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा गोवा में चौथा दिन है, तो आज हम जा रहे हैं वाटरफॉल, तो चलो चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हम जिप्सी में बैठ कर जाएंगे, तो हम जाएंगे दूधसागर वाटरफॉल। भैया का मानना है कि इंडिया का 30 नंबर पे आता है लार्जेस्ट। भैया ने नेट में देखा है कि इंडिया का लार्जेस्ट थर्ड नंबर में आता है दूधसागर वाटरफॉल। चलो अभी चलते हैं। बाकी ये यहाँ पे बोल रहे थे कि वहाँ पे 3 घंटा कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने छोटा सा ब्रेकफास्ट कर लिया। चलो तो चलते हैं अभी, थोड़ा अभी हम टिकट बुक कराएंगे, अभी नहीं तब जाएंगे। तो अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब दूधसागर वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। बैठे हैं, ये यहाँ का नज़ारा है जाते वक्त का। तो हमें यहाँ से वाटरफॉल की तरफ जाते हुए कम से कम आधा घंटा लगेगा, तो इसलिए यहाँ से गाड़ी से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अपनी गाड़ी या स्कूटी में जाना अलाउ नहीं है, ये यहाँ से जाना होता है। तो यहाँ की जो टिकट थी 500 टिकट थी जाने की, और जो हमने लाइफ जैकेट पहन ली है उसकी 40 रुपये थी। बाकी हम अंदर जा रहे हैं अभी, तो देखते हैं आगे का नज़ारा। हमारे ड्राइवर ने हमें उतार दिया है, अब हम चलना है हमें अब यहाँ से। चलो चलते हैं, देखते हैं किस साइड है। लाइफ जैकेट इज़ कंपलसरी, तो मेरे भैया ने भी पहन ली है लाइफ जैकेट। मैं भी अपने आप को दिखाता हूँ आपको, ये देखो कितना अच्छा वो है, चल के जाना है यहाँ से। ये मैंने भी अपनी लाइफ जैकेट पहन रखी है, पीछे मैंने अपना बैग टैंग रखा है। तो दूधसागर वाटरफॉल है, फॉल है, मेरे भैया के हिसाब से इंडिया का 30 नंबर में आता सबसे बड़ा। तो चलो चलते हैं, देखो मज़ा आ रहा है। और वहाँ से अगर जो आपने गाड़ी का वो देखा ना नज़ारा जब इससे थोड़ा पहले क्लिप, तो हम वहाँ पर गाड़ी से बैठ कर आए हैं। वहाँ से तो टिकट थी 500 गाड़ी में बैठ कर आने की, ये लाइफ जैकेट 40 रुपये का है, और बाकी 100 रुपये एंट्री थी उसकी। फॉरेस्ट पता नहीं फॉरेस्ट था एक बीच में, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट वहाँ की। ये देखो नज़ारा, ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है, पत्थर हैं, पानी, यहाँ पे भी पत्थर, जब बारिश होती होगी ना यहाँ पे पूरे पत्थर ढक जाते होंगे पानियों से। देख सकते हो मेरे पीछे कितना अच्छा नज़ारा है दोनों साइड ही। तो चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हैं, चलो आके देखेंगे फ़ोटो का। तो यहाँ पे भी एक ब्रिज टाइप आ गया है, तो अभी दिखाता हूँ इसको, वाइड एंगल में कवर करूँ क्या। देखो यहाँ पे भी ब्रिज टाइप आ गया है, तो यहाँ पे आओ मज़ा आएगा आपको फीलिंग। देखो पानी की आवाज़ सुनो, पानी की, अभी हमने किसी से पूछा कि कितनी दूर है, तो उन्होंने बताया 100 मीटर, तो 100 मीटर आ चुका है। गोवा सिर्फ बीच के लिए नहीं, इसके लिए भी बहुत अच्छा है, ये देख सकते हो नज़ारा, पानी, वो देखो वाटरफॉल। और यही चीज़ बारिश के समय बहुत बहुत ही ज़्यादा रहता होगा वाटरफॉल। अब ये देखो मेरे पीछे वाटरफॉल, बढ़िया अच्छा पीछे हो रहा था। तो कितना अच्छा नज़ारा है, अभी तो और आगे जाना है, शायद से उस वाटरफॉल के नीचे खड़े होंगे, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे बंदर भी हैं बगल में। तो ये देखो वहाँ से आ रहा है वाटरफॉल,
बंदे वहाँ पे भी खड़े हुए हैं अपने ब्रिज में। देखे नहा निकले हैं। चलो फिर अभी यहाँ पे नहाएंगे हम भी। देखो यहाँ पे बंदर भी हैं बगल बगल में, कोई कुछ नहीं कर रहे। मस्त बैठा हुआ बंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हो वाटरफॉल होता हो। बंदर को प्रसाद मिल गया है, बहुत मजे कर रहा है, मजे से खा रहा है। तो मैं भी पानी के नीचे आ गया हूँ। अरे मेरे को ना उसकी मांगा थी, मैं रख कर आऊंगा क्या। तो मैं पानी में आ ही चुका था। ये देखो यहाँ पास से वाटरफॉल का नज़ारा दिखाता हूँ। बाकी मैं उसके नीचे नहीं गया वाटरफॉल के, थोड़ा डर भी लगता है मुझे पानी से। ये मेरा भाई मज़े करता हुआ पानी में, इसे तो थोड़ी स्विमिंग आती है तो इसलिए इतना डर नहीं लग रहा है, इसे मज़े कर रहा है। मैं यहाँ फिर से पास आ गया था झरने के। पैर फिसल रहे हैं? नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं भी है। पैर फिसल रहे हैं। बंदी वीडियो ऊपर की बना ले। मैं फॉल में जाऊँ? फॉल में जाऊँ मैं? तो मैं वहाँ पे वाटरफॉल में नहा गया था, तो अब कपड़े चेंज कर लिए हैं। चलो वापिस चलते हैं। ओ अभी फिसलता, वापिस चलते हैं। चलो ओ देखो ट्रेन जाते हुए कितना अच्छा लग रहा है। तो हम वापिस जा रहे हैं। मैं हो गया हूँ थोड़ा लेट, 12 बजे तक पहुँचना था तो इसलिए थोड़ा भाग भाग के जाना है। तो हम अपने गाड़ी के वहाँ पहुँच चुके हैं, अभी गाड़ी निकलेगी तो जाएंगे। तो अब हम वापस जा रहे हैं गाड़ी से ही। तो गाड़ी वाले ने हमको छोड़ दिया था, अब हम वो खा रहे हैं भुट्टा खा रहे हैं और गन्ने का जूस पी लिया है। ये रहा हमारा भुट्टा। स्कूटी चलाते चलाते हम आ गए हैं सलूली डैम। तो हम डैम घूमने आए थे, डैम तो बंद है, 2 साल से ही बंद है। तो शायद से हुआ क्या होगा, कोरोना में बंद कर दिया होगा, तो तब से फिर बंद नहीं करके रखा हुआ है।
तो आज मैंने, आपने देखा ही होगा, मैंने बहुत स्कूटी चलाई आज, 3-4 घंटे तो मैंने स्कूटी ही चलाई आज के दिन। तो वो उसकी पूरी वीडियो तो डाल ही सकते 3-4 घंटे की, लेकिन 3-4 घंटे फुल स्कूटी चलाई है। तो अभी हम एक बीच में आए हैं, पैलोलियम बीच, तो यहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, लेकिन पता चले यहाँ लेट निकले है नहीं, अब देखते हैं कहाँ रेस्ट करूँ। तो चलो जब तक आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे एक डॉगी मिला मुझे, बहुत देर से देख रहा हूँ, गड्ढा खोदे जा रहा है, गड्ढा खोदे जा रहा है, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है वो। तो चल पड़े हम अपने सफर के लिए, और अभी रात, गोवा के रात में बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच रात में थोड़ा मुश्किल हो रहा है ड्राइव करना, बट कोई नहीं, और भी बंदे जो चल रहे हैं और अपन भी चल रहे हैं इसी हौसले से, और मज़ा भी आ रहा है चलाने में, बट डर भी है, अंधेरा है पूरा। देखो आप जैसे देख सकते हो, थोड़ा अलर्ट होकर चलाना है, जैसे कि वो पहाड़ी इलाकों में वो नहीं होता गोल रोड आती है, वो भी आ रही है, गोल गोल रोड भी आ रही है पहाड़ी इलाकों में जैसे आती है। तो अभी बस इतना ही दिखाते हैं, नहीं तो दिक्कत है वीडियो बनाने में भी। तो फाइनली कुछ स्ट्रीट लाइट आ गई है, बट तो कुछ देर के लिए है शायद ये, या फिर काफ़ी लंबे समय के लिए तो शायद हो, मतलब हम मेन बीच के आसपास से पहुँचे, फिर हम क्या ना बीच बीच के एरिया से जाएंगे, फिर वहाँ पे थोड़ा लाइटिंग सिस्टम है, तो यहाँ लाइटिंग आ गई है तो बढ़िया है। अभी 40 मिनट दूर है, तो मैं सोच रहा हूँ अपना नहा लूँगा कोल ऑफिस में, अगर मिलता है टाइम तो, नानी की फैसिलिटी मिलती है तो, बाथिंग की फैसिलिटी अगर मिलती है तो, नहीं तो फिर हम पंजिम जाने की सो रहे, पंजिम सोते जाना ही है, कसिनो की भी वीडियो बना लेंगे, एंड या तो पंजिम में खाना खाने खाएंगे। तो गाइस, उसके बाद हम कोलवा बीच गए थे, तो अभी हम आए हैं खाना खाने। आज देखा ही होगा हमने 5-6 घंटे स्कूटी चलाई है, 5 और फिर 6 घंटे, तो अभी हम बैठे हैं ढाबा में, देखते हैं हम क्या खाते हैं। तो यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है, करण निकालियो, करण खाना। तो हमने खाना वाना खा लिया है, तो हम अपने वापस हॉस्टल में आ चुके हैं। तो चलिए आज का लोग यहीं ख़त्म करते हैं, बाय।